येरा क्रिटिकल रिहैब। ए रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे भाई साहब, ये इन दोनों से मिलना है। परमिशन है क्या? वो तो नहीं है। हाँ तो नहीं मिल सकते। अरे लेकिन शायद इससे बात बन जाए। क्या काम है लड़कों से? नहीं वो नहीं बता सकते। शायद इससे बात बन जाए। हमें लड़कों से जरा कुछ बातचीत करनी है, that's all। नहीं 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 मुश्किल है। शायद इससे बात बन जाए। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में तो हमारा काम होगा ही नहीं। शायद इससे बात बन जाए। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बन गई बात। आप लोग चाय वाय लेंगे? हम नहीं देंगे। पकड़ लिया रॉबर्ट को। अरे सर। तो ये है रॉबर्ट। जी सर, यही है आपके तीनों रॉबर्ट्स। और यही है जिन्होंने सेठ मनसुख लाल के ज्वेलरी स्टोर से वो करोड़ों का डायमंड चुराया है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू सर, ये है मास्क मेकर जोसेफ का बेटा जोजो, और ये सेठ मनसुख लाल का बेटा धनसुख, ज्वेलरी स्टोर का मालिक है सर। और ये सर इनका तीसरा पार्टनर मुन्ना। अभी हमको एक्सप्लेन करो, एक केस तुमने कैसा सॉल्व किया है? सर ये सब कुछ ये बताएगा सर। मैं? जी सर, चाहे आपके कान ये सुनने के लिए तैयार नहीं है सर, चाहे आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो केस है सर, ये इसने सॉल्व किया है सर। मैंने? जी सर सुनने, इस केस का सारा क्रेडिट सर इस आदमी को जाता है सर। लेकिन कर क्या रहा है मेरे भाई? वो डॉली के साथ कुछ ज्यादा हो गया था ना कल, तो उसके लिए सॉरी समझ के गिफ्ट रख ले। थैंक यू यार, तेरी शक्ल जितनी खराब है दिल उतना खराब नहीं है। वेरी नाइस, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। सर ये केस मैंने ही सॉल्व किया है सर। जी हाँ सही कह रहा है ये। तो सर ये तीनों जो हैं, ये मैंने इन्हें पकड़ा, फिर शर्मा रहा है सर। क्या होता है सर कि पहली बार जब आदमी कोई केस सॉल्व करता है तो समझते वो अंदर की फीलिंग कैसी होती है ना, आदमी शर्माता है। लेट मी एक्सप्लेन यू सर। दरअसल सर ये तीनों ड्रग एडिक्ट थे सर। इन तीनों को ड्रग लेने की बहुत गंदी आदत थी और इनके ऊपर ड्रग डीलर का बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसको चुकाने का इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, चोरी करके पैसे चुका सकते थे, और इसीलिए इन्होंने चोरी करने का फैसला लिया। इन्होंने पैसे का लालच देकर रिहैब के सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ओर कर लिया। अपनी ओर ही कर लिया सर। और फिर एक एक करके अंजाम देना शुरू किया। जो जो अपने बाप जोसेफ के बनाए हुए मास्क चुराए, चुरा लिए मास्क, चुराए ना। और धनसुख ने लॉकर्स की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई, चाबी बना ली सर डुप्लीकेट। और जो बाइकें इस्तेमाल हुई है सर, मतलब बताना। मैं बता तो दूं, बता दे, अब इतना बोल दे, आगे आगे बता दे सर। ये अभी शर्मा रहा है सर, ये सुधरेगा नहीं सर। मैं बताता हूं आपको, जो बाइकों का इंतजाम हुआ था वो किया था इस मुन्ना ने सर। मुन्ना ने बाइक इस्तेमाल, इसकी बाइक थी। और फिर तीनों ने बड़े ही सुकून से, इत्मीनान से, बिना किसी हड़बड़ाहट के चोरी को अंजाम दिया और फिर आराम से रिहैब भी पहुंच गए। ना कोई प्रूफ ना कोई गवाह, यानी कि चोरी की परफेक्ट प्लानिंग। लेकिन याद रहे सर, शब्द तुम्हारा। यस। और केस सॉल्व इसने किया है। अरे तो कमल हो गया है यार, एक तो बॉल भी लाया और गोल भी किया। सीख गया, तुम्हारा साथ रह के सीख गया है सर। आई एम वेरी मच हैप्पी यार। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी हैप्पी। एक मिनट। ये सच है सर कि धनु के डैडी का ज्वेलरी स्टोर लूटने का प्लान हम लोगों ने ही बनाया था, और सर नकली चाबी से लॉकर खोला भी था, पर सर... और क्या? पर उस लॉकर में डायमंड नहीं था। और यही सच है सर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने डायमंड चुरा लिया था, डायमंड वाला लॉकअप खाली था सर। चोर कोई और है सर। कोई और है? कौन है?
क्या बकवास करता है? यही सच है सर, लॉकर खाली था, उसमें डायमंड नहीं था सर। तुम झूठ बोलता है। हमारा यकीन कीजिए सर, हम सच कह रहे हैं, डायमंड हमने नहीं चुराया सर। तो फिर कौन चुराया है? नहीं जानते सर, जो सर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। जोजो ने अपने पापा के बनाए मास्क चुराए, मुन्ना ने लूट में यूज हुई बाइकों का इंतजाम किया और मैंने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनाई। प्लान के मुताबिक हम स्टोर चोरी करने भी गए, लेकिन सर हमने जैसी लॉकर खोला वहाँ डायमंड नहीं था, हम घबरा गए और वहाँ से भाग गए। आदि मानव, ये कैसा केस सॉल्व किया है? सर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सिर्फ शब्द मेरे हैं सर, बाकी केस तो इसने सॉल्व किया सर। इससे पूछिए, बताइए सर को, बताइए। समझ गया, समझ गया। तीतर के मुंह से लक्ष्मी कैसे बोली? अचानक से सारा का सारा क्रेडिट मुझे क्यों दिया जा रहा है? तुझे पहले से डाउट था ना कि इन तीनों ने ये काम किया ही नहीं? ऑब्वियसली जानबूझ के मुझे फंसाया ना, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। सर, सर केस मैंने सॉल्व किया। ये क्या है सर? चुप बोला है, बहुत बोलेगा तो आ जाएगा। देखो इसका फाइंड आउट करो। ये क्या है सर? डायमंड। अब इतना बड़ा नहीं है सर। ठीक है, इतना इसका फाइंड आउट करो। तुमको 24 घंटे का हम टाइम देता है, 24 आवर्स। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स थोड़ी देर के बाद में। ठीक है, तुम लोगों के लिए मिस्टी धोई आया है, वो खाओ, बाद में इसका मिस्टी स्टोर करो। चलो मिस्टी धोई। हाँ, चलो चलो चलो। यार वो मिस्ट्री धोई से पेट खराब हो गया है यार। यार हमारे कमिश्नर साहब ना ऊपर ऊपर से सख्त लगते हैं, लेकिन दिल के बहुत बुरे हैं। बुरे। एक मिनट फोन आ रहा है यार। डॉली का फोन है। हेलो डॉली। क्या क्या क्या? हाँ डॉली। माना क्या हम अभी मिल सकते हैं? कुछ कहना था तुमसे। वैसे कुछ कहना तो नहीं चाहती, पर क्या करूँ, रहा भी तो नहीं जा रहा, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। बस डॉली बस, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ। सुना यार, डॉली मुझसे कुछ कहना चाहती है, तरह एक बार रेस्टोरेंट होते हुए जाते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आयशा भी तुझसे कुछ कहना चाहती हो। चल। हाय 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 हाय। बैठिए ना प्लीज। ऑफ कोर्स। आई एम सो सॉरी, वहां पर पानी गिरा था ना। आपको गीला नहीं लग रहा है? आप यहाँ? अब दरअसल डॉली ने मानव को बुलाया था, कुछ कहना चाहती है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको मुझसे कुछ कहना है। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अरे सीधा मुंह पे, जो कुछ कहना है आपको आप साफ साफ कहिए ना, बेझिझक कहिए, बिंदास कहिए। देखिए आप कहेंगी तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कहना तो मुझे भी ऐसा कुछ है नहीं खास, लेकिन मुझे लगा अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो मैं भी सुनने को तैयार हूँ। मुझे लगता है जिसे कहना है वो तुमसे खुद कहे तो ही ठीक रहेगा। पल्लवी आओ। ये पल्लवी मेरी बेटी है। ओ अच्छा, तो इन्हें मुझसे कुछ कहना था। जी, पल्लवी मेरी कॉलेज फ्रेंड है, इसी के भाई के बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखिए धनु, धनसुख मेरा भाई है इंस्पेक्टर मानव, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा उसे मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि वो सिर्फ मुझे बता सकता है कि आखिर सच्चाई क्या है।
प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए सिर्फ कुछ मिनट के लिए प्लीज प्लीज। देखो ना वो कितना परेशान है अपने भाई के लिए प्लीज मानव। देखिए इस मामले में हम कुछ कुछ तो करेंगे कुछ करेंगे। अब डॉली इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं इतना आसान नहीं है मतलब हम कैसे प्लीज प्लीज। हाँ करेंगे करेंगे कुछ कुछ कर लेंगे कुछ तो कर लेंगे कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर आदित्य। यू मोस्ट वेलकम। अरे उन्होंने क्या किया। थैंक्स मानव।